हेलो एवरीवन, मेरा नाम गोविंद प्रताप सिंह है। मैं आपका एमबीबीएस अब्रॉड कंसल्टेंट। जिन स्टूडेंट्स ने 2023 में नीट का एग्जाम दिया है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा स्कोर करें, आपका अच्छे एमबीबीएस कॉलेजेस में एडमिशन हो, हम लोग यही प्रार्थना करते हैं। और आज मैं इस वीडियो में जो बात करूंगा वो नीट क्वालिफाइंग कट ऑफ की बात करूंगा कि कितने नंबर पे आप क्वालिफाई हो सकते हैं। उसके अलावा मैं बात करूंगा कि कितने नंबर आपको अगर भारत में गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो कितने नंबर में आपको मिल सकता है। इसके अलावा मैं बात करूंगा कि आपने अगर 2022 में या 2021 में नीट क्वालिफाई किया था और 2023 में अगर किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं तब आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और उन स्टूडेंट्स के बारे में भी बात करूंगा जो नीट क्वालिफाई तो कर लेंगे लेकिन उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा, तो उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए और इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जिन लोगों ने इस बार नीट का एग्जाम दिया है, ताकि इस वीडियो से उनको हेल्प मिल पाए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि हम अपने चैनल पे एमबीबीएस और एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं, तो कोई भी आपसे इन्फॉर्मेशन मिस ना होने पाए। में रिकॉर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने इस बार नीट का फॉर्म फिल किया है। लगभग 20,80,000 लोगों ने इस बार नीट का फॉर्म फिल किया है और उसके बाद 7 मई को उन लोगों ने एग्जाम दिया है। तो एग्जाम तो आपका 7 मई को हो चुका है, लेकिन अब जो सबसे बड़ा टेंशन है वो कट ऑफ का है कि क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखिए, काफी एनालिसिस के बाद, पेपर का डिफिकल्टी लेवल चेक करने के बाद, कितने नंबर ऑफ सीट्स बढ़े हैं इंडिया में इस बार, उन सबको देखते हुए जो एक अनुमानित आंकड़ा निकल के आता है वो लगभग आपका 120 नंबर का जनरल कैटेगरी के लिए निकल के आता है। इसमें आप प्लस माइनस 5 कर सकते हैं, लगभग 120-22 के करीब आपकी कट ऑफ रहनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। और इसके अलावा अगर मैं रिजर्व कैटेगरी की बात करूं तो रिजर्व कैटेगरी के लिए लगभग 100 या 105 के बीच में ये कट ऑफ रहनी चाहिए। इतने मार्क्स अगर आप लाते हैं तो मान के चलिए कि आप 2023 में क्वालिफाई हो सकते हैं। देखिए, जो एग्जैक्ट कट ऑफ है वो तो आपको रिजल्ट के दिन ही पता लगेगी, आपका जो नीट का स्कोर कार्ड है उसमें एग्जैक्ट कट ऑफ लिख के आती है, लेकिन जो एक पिछले सालों का जो अनुमानित आंकड़ा है उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो रिजर्व कैटेगरी के लिए 100 से 105 नंबर आपकी कट ऑफ रह सकती है। अगर जनरल कैटेगरी की अगर मैं क्वालिफाइंग कट ऑफ की बात करूँ तो मान के चलिए 120 से 125 के बीच में ये रह सकती है। और अगर भारत में सरकारी कॉलेजेस की अगर हम बात करते हैं तो उसकी कट ऑफ जो जाने का अनुमान है वो मान के चलिए कि 595-600 के बीच में रहने वाली है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके मार्क्स अगर 595 से 600 के बीच में आते हैं तो मान के चलिए आपको थर्ड राउंड काउंसलिंग तक या मॉपअप राउंड तक आपको कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं। अगर मैं ओबीसी की बात करता हूँ तो मान के चलिए 580-590 तक आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे, लेकिन अगर SC ST कैटेगरी की बात करते हैं उनके लिए कट ऑफ थोड़ी सी कम रहती है, तो मान के चलिए लगभग 450, मैं ये बिल्कुल मॉपअप राउंड तक की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि 450-480 नंबर तक उनको इस बार कॉलेज अलॉट हो जाए। तो ये मेरी तरफ से एक अनुमानित कट ऑफ है कि आपको अगर सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो जनरल कैटेगरी के लिए आपको 595 प्लस नंबर लाने होंगे, ओबीसी कैटेगरी में आपको लगभग 585-586 से ऊपर नंबर लाने होंगे, और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मान के चलिए लगभग आपको 450 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा, तो आपको हो सकता है कि भारत में सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। आइए बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो नीट क्वालिफाई तो कर लेंगे लेकिन उनको भारत में सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाएगा, तो उनके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है, वो अगर इस साल नीट में 300 स्कोर करते हैं तो वो नीट में क्वालिफाइड तो हैं लेकिन उनको इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट कॉलेजेस कट ऑफ के हिसाब से उनके मार्क्स काफी कम है, तब उनके पास क्या ऑप्शंस बचते हैं ये अब मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहला ऑप्शन जो आता है कि अगर आपको भारत में सरकारी कॉलेज नहीं मिल पा रहा है तो आप अब्रॉड से किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके अपना MBBS स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आपको जो बेनिफिट होगा वो ये है कि इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस की जो हाई फीस है आप उससे बचेंगे, दूसरा आपका साल वेस्ट होने से बचेगा, आपको कोई ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप अच्छे मार्क्स से क्वालिफाइड है। और अगर अब्रॉड में एडमिशन लेने की बात करें तो आप जस्ट अगर क्वालिफाई भी करते हैं, जो मिनिमम कट ऑफ है आप अगर उस कट ऑफ को भी क्लियर करते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके 300 नंबर ही हों। मान लीजिए कि जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया तो कि 125 अगर कट ऑफ जाती है, आपके मार्क्स अगर 126 भी हैं, आप अगर एक नंबर से भी कट ऑफ अपने क्लियर करते हैं तो भी आपका एडमिशन अब्रॉड में गवर्नमेंट में अच्छे यूनिवर्सिटीज में हो जाएगा, तो आप बेफिक्र होकर अब्रॉड में गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, अपना साल बचा सकते हैं। पहला ऑप्शन मैंने आपको बताया कि आपका अगर भारत में सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है तो आप अब्रॉड की किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में कम फीस में एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि मान लीजिए आपके नंबर अगर 300 ही आए हों और आपका बजट अगर 80-90 लाख, 1 करोड़ या 1.25 करोड़ तक है, तो भारत में प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में आपको पता ही है, वहाँ पे
फीस हाई होती है। आपके पास अगर बजट आपका अलाउ करता है, नंबर आपके अगर कम है, तो आप प्राइवेट कॉलेजेस में अपने लिए सीट देख सकते हैं, अगर विदेश में नहीं जाना चाहते हैं तो। जो थर्ड ऑप्शन आप स्टूडेंट्स के पास है वो ये है, अगर स्टूडेंट्स को लगता है कि उनका इस अटेम्प्ट में स्कोर अच्छा नहीं आ पाया है, लेकिन उनमें कैलिबर है, उनमें कैपेबिलिटी है कि वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो वो एक ड्रॉप का भी प्लान कर सकते हैं। लेकिन पिछले सालों में हमने ये देखा है कि ड्रॉप लेने का कोई ऐसा खास फायदा होता नहीं है, क्योंकि हर साल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नीट में हर साल बढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिशन हर साल बढ़ रहा है। अगर ड्रॉप लेना अगर आप चाहते हैं, तो मैं एक सजेशन आपको दूंगा, आपके अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्क्स 450 के अबव आ रहे हों, 400 450 के अबव आपके अगर मार्क्स हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आप ड्रॉप ले सकते हैं। आप अपने आप को एक चांस और देने का हक आपको बनता है, तब आप किसी की मत सुनिए, आँख बंद करके ड्रॉप कीजिए। लेकिन अगर आपके मार्क्स कम हैं, आप अगर सिर्फ क्वालिफाई कर रहे हैं, आपके मार्क्स 150 200 250 300 इतने अगर आपके मार्क्स हैं, तो मान के चलिए आप अगर ड्रॉप लेते हैं, आपको अगर भरोसा है कि आप अगले साल कुछ 600 नंबर ले आएंगे, तब तो ड्रॉप लें। सिर्फ इस बेसिस पे आप ड्रॉप ना लें कि इस बार हमारे नंबर 150 आए थे, अगली बार 250 आ जाएंगे, तो पता नहीं हमें कौन सा अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। आपको ना 150 में अच्छा कॉलेज मिलना है इंडिया में, गवर्नमेंट गवर्नमेंट की तो खैर बात छोड़िए, प्राइवेट भी मिलना मुश्किल है अगर आपका बजट नहीं है तो। ड्रॉप लेने का जो सीधा सिनेरियो है वो ये है, आपके नंबर अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में 400 के ऊपर आते हैं, आप ड्रॉप लीजिए। अदरवाइज आप अगर क्वालिफाई करते हैं और 450 400 तक आपके नंबर आते हैं, तो बेहतर यह है कि आप ड्रॉप ना लेके अपना साल बचा के किसी भी अब्रॉड की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको अब्रॉड की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और जानकारी लेना चाहते हैं, तो नीचे स्क्रीन पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है। आप अब्रॉड की अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आप हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं, और मैं अपने जो काउंसलर्स हैं उनके कुछ नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। अगर किसी रीज़न से एक नंबर पे कॉल नहीं उठ पाता है, क्योंकि देखिए आजकल आप लोगों का बहुत प्यार हमें मिल रहा है, आप लोग लगातार फ़ोन कॉल हमें करते हैं, मान लीजिए कभी अगर फ़ोन नहीं रिसीव हो पाता है, तो एक तो हमारी साइड से बैक कॉल आता है, लेकिन आपको मैं इस बार अल्टरनेट नंबर्स भी दे रहा हूँ, आप दूसरे नंबर्स पर भी कॉन्टैक्ट करके हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं और अच्छे कॉलेजेस अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 2022 में नीट क्वालिफाई कर लिया था और 2023 में आपका नीट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, तो अब आपके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है? देखिए एनएमसी के एक नोटिस के मुताबिक आपने अगर नीट अपना एक बार क्वालिफाई किया है, तो वो नीट क्वालिफाइड स्कोर आपका 3 साल के लिए वैलिड होता है। आप अपने नीट स्कोर को 3 साल तक अपने अब्रॉड में एडमिशन के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन आप अगर अब्रॉड में एडमिशन ना लेने के अलावा अगर आप उसको इंडिया में यूज करना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। सिर्फ अब्रॉड के लिए ही ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि आपका नीट का स्कोर 3 साल के लिए वैलिड होता है। आपने अगर 2021 में क्वालिफाई किया था, 2022 में भी अगर आप क्वालिफाई नहीं थे और 23 में भी नहीं होने वाले हैं, तो आप बेफिक्र होकर एडमिशन ले सकते हैं, एक वैलिड तरीके से आपका एडमिशन होगा। चाहे आपने 2022 में क्वालिफाई किया था, 2023 में अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि आपका नीट स्कोर 3 साल के लिए वैलिड है। आई होप कि आपका डाउट जो है वो मैंने क्लियर किया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, और इस वीडियो को उन स्टूडेंट के साथ जरूर शेयर कीजिए जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया है और वो कन्फ्यूज हैं कि उनको क्या करना है। आप अगर हम लोगों से बात करना चाहते हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है, और कोई सवाल या सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स नीचे आपके लिए ओपन है, आप कॉमेंट कीजिए अपने सवाल, हमारी साइड से उसका आंसर किया जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।